गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर श्रीनगर आयुक्त निखिल टीकाराम फोंडे अपने अधीनस्थों के साथ वीआईपी रूट का निरीक्षण और दौरा करते हुए दिखाई दिए। G20 को लेकर नगर निगम की ओर से जो कार्य कराए जा रहे हैं उनकी गुणवत्ता और उनकी कार्य प्रगति दोनों के देखने और जांचने के नगर आयुक्त निखिल टीकाराम फोंडे अधीनस्थों के साथ निकले थे। वीआईपी रूट का निरीक्षण करते हुए निखिल टीकाराम फोंडे टैंक चौराहे स्थित रानी लक्ष्मीबाई प्रतिमा स्थल पर रुक गए और अधीनस्थों के साथ इस चौराहे को ब्यूटिफिकेशन पर चर्चा करने लगे। G20 में हम लोग प्रदर्शन अपना अच्छा हो, आगरा सुंदर दिखे, स्वच्छ दिखे, आकर्षक दिखे, इसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं। तो वही रोड का और फुटपाथ का और ग्रीनरी का काम चल रहा है, उसी का निरीक्षण कर रहे थे और उम्मीद है कि जिस दिन तक आखिरी दिन तक हम लोग ऐसे ही काम करते रहे। सभी लोग आज छुट्टी होने के बावजूद भी पूरे जोरों शोरों से काम में लगे हुए। इसको ओरिजिनल रूप में रिस्टोर कर रहे हैं, कुछ दिनों से ये दुर्लक्षित हो गई थी, ये चौराहा दुर्लक्षित हो गया था, तो उसी को ठीक किया जा रहा है। रंगाई पुताई और जो भी मरम्मत का कार्य है वो कर रहे हैं, जो भी प्लांटेशन वगैरह होना है उसका भी कार्य कर रहे हैं। तो अभी दीवारों पर धार्मिक पेंटिंग हुई थी, उसका बड़ा विरोध हुआ, तो अब इस तरह की पेंटिंग कहीं दिखाई देगी? धार्मिक पेंटिंग ऑलरेडी बन रही है, उसमें कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। बस वहाँ आपत्ति ये थी कि एक कुछ लोग वहाँ पर थूकते और पेशाब करते हुए वो दिखाई गए थे। ऑलरेडी वहाँ पर हम लोगों की जो पूरा एरिया का डेवलपमेंट हो रहा है, केवल पेंटिंग नहीं, वहाँ पर आपने देखा होगा वहाँ गार्डन नुमा भी बन रहा है, टॉयलेट भी ऑलरेडी वहाँ पर जो एक था पहले वो भी शिफ्ट हो रहा है। तो कुल मिला के पूरे एरिया का ही सौंदर्यीकरण हो रहा है और जो आपत्तिकर्ता थे अनफॉर्चुनेटली उनको बात नहीं कर पाए हमसे, वरना उनको हम लोग पूरा ओवरऑल प्लान दिखाते तो उनको भी समझ आता कि वो ओवरऑल है और वो भी पूरा हमारा साथ दे रहे हैं, कोई समस्या नहीं। ईदगाह चौराहे पे कुछ बनाया जा रहा है क्या है वो? ईदगाह चौराहे पे उसका विकास हो रहा है, अब जैसे बनेगा तो आप देखिएगा क्या बन के निकलेगा। ठीक है, आज नगर निगम की पूरी टीम, प्रशासनिक अमला, नगर आयुक्त महोदय, अपर नगर आयुक्त जी, इंजीनियर आर के सिंह जी, सभी लोग यहाँ आए थे। उन्होंने यहाँ आज झांसी की रानी के जो आसपास का क्षेत्र है इसको देखा, जो समस्याएं थी इस G20 को देखते हुए और भी नगर विकास मंत्रालय द्वारा जो निर्देशित किया गया उसको देखते हुए आज यहाँ कार्यों का निरीक्षण किया। अच्छे कार्य के लिए उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया है और आप देख रहे हैं यहाँ कार्य चल रहा है। काफ़ी समय से ये कार्य रुके हुए थे और अब पूर्ण होने जा रहे हैं। क्षेत्रीय जनता में भारी खुशी है।